मीडिया घर में मीडिया हाउस में जिस तरीके से एक महिला की प्लेटफॉर्म से ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से अपने एड के साथ एक कि वो सारी सीटें बातें हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नॉट आउट हो रहे हैं, जीरो पे आउट हो रहे हैं, उसके लिए बस अगर आपकी घर की किसी महिला की फोटो मेरी तस्वीर की जगह होती क्या ये अच्छी बात है? मैंने तो कभी ऐसी कोई किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करी। आपको अगर राजनीतिक रूप से आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है पर ये बहुत ही घिनौनी हरकत करी है, अगर कोई भी राजनीतिक रूप से इनको मुझसे लड़ना होता तो स्वागत है, आप बिल्कुल लड़िए, पर इस हद तक इन सारी चीजों से कैसे लड़ेंगी आप? हालांकि तो क्या वापस 100% मैं कार्रवाई करूंगी। जब इतना प्रेशर उन पे पड़ा तो डिलीट करना, तो पहली आपने किया है क्यों? डिलीट करने से क्या होता है? आप पब्लिक फोरम पे अपोलॉजी मांगिए और इसको मैं पूरी तरीके से एक्शन लूं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मार डाले और फिर कहे सॉरी आपको मार डाला, सॉरी मर्डर हो गया, तो क्या माफी माफी मिल जाएगी? इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? इसके पीछे कांग्रेस की बस बस ये मंशा है, वो इतना बौखला गए हैं, वो इतना परेशान हो गए कि उनको दिख रहा है कि सारी सीटें हार रहे, तो आप बस विनाशकारी विपरीत बुद्धि, अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करो, तो वो खुद दूसरों का डैमेज करने के चक्कर में अपना डैमेज कर रहे हैं। अभी आप भी इसी पार्टी से एमएलए हुआ करती थी, इसकी सदस्य, और आज इतना जो ट्वीट हो रहा उसको किस नजरिए से आप देखें? क्योंकि अभी बहुत देखिए बात पार्टी की नहीं है, बहुत ही गंदी हरकत किसी भी महिला के लिए गंदी विचारधारा उनकी प्रकाशन कर रही है, बात पार्टी की नहीं। अगर किसी भी पार्टी के व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखें, डिबेट करें, जो पॉलिटिकल फोरम पे होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, मैं उसका स्वागत भी नहीं सम्मान करती हूँ, पर ये कोई तरीका नहीं। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब खत्म होने वाली है, खत्म होने की बिल्कुल आखिरी कगार पे आ गई है, और तभी ऐसी हरकतें करेंगी। मुझे भी तो होता है देखते ये पोस्टर की अगर बात की जाए तो ये दूसरा पोस्टर है, इससे पहले प्रियंका मौर्य का भी जो है पोस्टर जो है वायरल हुआ था जिनको यूज किया गया, उसमें क्या कहेंगे जिस तरह के पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं? इस टाइप की पोस्टरबाजी और महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें, ठीक है, और या तो ऐसे नारे देना बंद करें कि लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, तो कह दीजिए कि भैया महिलाओं के खिलाफ पार्टी, कह दीजिए एक बार में कि ऐसी गंदी हरकतें हम करेंगे अगर तुम औकात रखोगी हमसे लड़ने की, तो अगर 10 जनपद से लड़ना है तो तैयार रहिए कि आपके ऐसे ऐसी तरीके से अश्लील तरीके तस्वीरों पे आपकी फोटो लगा के बॉस करके आपको बदनाम किया जाएगा। लड़ना है बताया जरा, इंटरव्यू लिया था आपने एक काम किया था उसके मुख से ये शब्द निकला था, उसको लेकर उन्होंने बनाया था, जो भी बनाया है जैसे भी है ये चीज गलत है। एक बड़ा अखबार ये चीज कह रहा है, वो तो कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता है वो कहे किसकी कॉल है, पर ये चीज जो उन्होंने करवाई है ये बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, हर तरीके से हर बाउंड्री को ये क्रॉस कर ऑफिस हर तरीके से ये हमारे संस्कार संस्कृति भारत की जो भारतीय संस्कृति है उसके बिल्कुल खिलाफ है, मतलब इससे ज्यादा क्या घिनौनी हरकत हो सकती है, आप बताइए।